मैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं बिहार अतिथि शिक्षक संघ जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहा है पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर, और तमाम हाथों में पट्टियां हैं, जॉब दो नहीं तो जेल दो, शिक्षकों को थी कमी तब हमने पढ़ाया, समय निकल जाने के बाद हमें क्यों हटाया, तमाम ऐसी पर्चियां हैं जो तख्तियां इनके हाथों में हैं। और कुछ शिक्षक हैं, क्या मांग है? हमारी मांग है कि हम लोगों को, हम लोग जिस दिन स्कूल में एक भी न शिक्षक था न बच्चा था, तो हम लोग गए और बच्चों को एकत्रित किया और पढ़ाने का काम शुरू किया। आज हम लोगों को स्कूल से निकाला जा रहा है, हमारा पेमेंट नहीं हो रहा है, सरकार कोई ध्यान दे नहीं रही है। लगभग 6 महीने से हम लोग सेप्टेम्बर से पढ़ा रहे हैं और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, न एक पैसा दे रही है, और अब निकालने के लिए बोल रही है सरकार। बहुत लोगों को निकाल दिया गया है, 28 साल को लेटर आ गया है कि सभी शिक्षकों को निकाल दिया जाएगा। उस दिन कोई शिक्षक नहीं था, एक विद्यालय में एक बच्चा पढ़ने नहीं आता था, उस स्कूल में आज 300-400 बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। हम लोग काफी मेहनत करके सुबह 10 से 4 बजे तक पढ़ा करके, तब हम लोगों को बच्चा लोगों को रोक करके पढ़ा करके तब हम लोग किए, और आज हम लोगों को निकाला जा रहा है और सरकार जब तनख्वाह नहीं मिल रहा है कैसे हटाया जा रहा है। और रिस्पेक्ट की भी बात हो चुकी है कि बताइए कि घर पे लोग पूछता है कि बताइए आप 6 मंथ के लिए टीचर थे, बताइए तो 6 मंथ में हम लोग क्या जवाब दे। बच्चे पूछते हैं कि सर आप नहीं आते हैं पढ़ाने, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग क्या जवाब बच्चे को क्या बता दे। पहली बार हुआ है कि ऐसे टीचर को रख कर और हम लोग को बाहर किया जा रहा है, बताइए सर। अब तो सरकार ही बताएगी कि क्या न्याय हम लोग को मिले, कि हमारी सेवा को नियमित किया जाए, और नियमित करने के बाद हमारी सैलरी 6 महीना से जो नहीं मिल रही है, वह 6 महीना से हमारी सैलरी जो रुकी गई है, वह सैलरी को तत्काल निर्गत किया जाए, तुरंत प्रदान की जाए, ताकि हमारे बाल बच्चे जो भूखे हैं, जो बिना हम लोग सैलरी के सेवा निस्वार्थ भाव से है, जो बच्चों को पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, सेवा किए हैं, उसके बदले में हमारा जो राशि मिलता है वह राशि प्रदान की जाए तत्काल, और सेवा को नियमित है जो किया जाए। क्या मानते हैं, जहाँ पे इतना नियोजित शिक्षकों का बवाल चल रहा है, बीपीएससी से सरकार परीक्षा ले रही है, आप लोगों को नियमित करेगी? जरूर, हमें सरकार की विचारधारा पर हम छोड़ते हैं कि सरकार हमारी विचारधारा के नियम अनुसार, अगर आज हम लोग बिहारी हैं, बिहारीपन पर गर्व है, तो निश्चित तौर पर इस विचार की जाए, उसके लिए आज जगह बनाई जाए और सारे लोगों को नियमित की जाए, ताकि आज रोजी रोटी का सवाल है, अगर रोजी रोटी नहीं मिलेगा तो हम लोग पढ़ा लिखा वर्ग कहाँ जाएंगे, कहाँ पर रहेंगे। इस तरह से हमारी मांग है कि सरकार से अपील है कि हमारी सेवा को नियमित कर, है ना, जो भी हमें विषय मिला है उस विषय को आज पढ़ाने की इजाज़त दी जाए, ताकि हम बढ़िया से। और एक महिला टीचर दिख रही हैं, उनसे भी अभी शिक्षक हैं? जी हाँ सर, मैं भी शिक्षक हूँ। कहाँ पे? जी सर, हम लोग मोतिहारी से आए हैं। ये महिला और जाब हमारा है अधिकार, हमें क्यों हटा रहे हो सरकार, इस तरीके की तख्तियाँ लेके बैठी हैं, क्या मांग है सरकार से? सर, हमारी मांग बस इतनी सी है कि सरकार ने जब हमने नौकरी दी और 2 महीने के बाद हम लोगों को कहा गया कि नहीं अभी बीपीएससी वाले आ गए हैं तो आपके लिए सीट नहीं है, फिर हमारा मतलब कि लेटर में था कि हमें ट्रांसफ़र किया जाएगा, पर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ सर। और अब अभी डायरेक्ट मतलब कि एक आ गया कि 28 से आप लोगों को जॉब से मतलब निकाला जाएगा, अब 28 के बाद में कोई जॉब नहीं है आपके लिए। बताइए सर, एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, जो टीचर जो शिक्षक सारी दुनिया को ज्ञान देते हैं ना, और सारे लोगों को मतलब कि ज्ञान दे करके और बच्चों को पढ़ाते हैं, आज वो टीचर आज ज्ञान मतलब कि दे करके अंधकार में बैठे हैं। हम जो है आज रोड पे बैठे हैं सर, हम जो बच्चों को सिखाते हैं कि सही रोड पे चलना किस तरह से होना चाहिए, आज हम रोड पे बैठे हुए हैं, क्या कारण है सर? आखिर सरकार हमारी गुहार क्यों नहीं सुन रही है? उसको सुनना पड़ेगा, आखिर हमारे बच्चे भी हैं, उनको भी तो चाहिए हर चीज़। हम लोग क्या चीज़, हम लोग काम करेंगे, सबसे पहले कहा जाता है बेटियों को भी पढ़ाया कीजिए, हम लोग पढ़े लिखे होकर के, और आज हम घर पे बैठ गए। तो आपने सुना कि अतिथि शिक्षक जो हैं उसमें महिलाएं भी हैं, और अब इन्हें नोटिस मिल गया है सरकार की तरफ से कि 28 तारीख से आपको विद्यालय नहीं आना है, और उसी के विरोध में आज देख लीजिए ये अतिथि शिक्षक जो हैं
यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सहयोगी प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।